नमस्कार, मैं हूँ प्रीति भंडारी। आप देख रहे हैं एवन न्यूज। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी चार देशों की अपनी 6 दिवसीय यात्रा के पहले चरण में जर्मनी पहुंचे, जहां पीएम ने जर्मन चांसलर एंगेला मार्केल से मुलाकात की। जर्मन चांसलर के साथ प्राइवेट डिनर के दौरान अनौपचारिक वार्ता के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। वहीं चार देशों के दौरे के पहले पड़ाव पर जर्मनी पहुंचे मोदी ने यूरोप से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने की अपील की। अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा प्रतिबंध वाले देश की सूची में पाकिस्तान का नाम नहीं होने के बावजूद नए ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तानी नागरिकों को अमेरिकी वीजा की संख्या में 40% की कटौती कर दी, जबकि भारतीयों के लिए जारी होने वाले वीजा में 28% की बढ़ोतरी हुई है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान मोरा 11 किलोमीटर की रफ्तार की तेज हवाओं के साथ उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल ये तूफान कोलकाता से 660 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और चटगांव के 550 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित है। अनुमान है कि ये तूफान उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ते हुए जल्द ही बांग्लादेश को पार कर जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो टूक शब्दों में फिर दोहराया है कि उनके रहते शराबबंदी खत्म नहीं होगी, इसके खिलाफ सख्ती जारी रहेगी। वे जब तक कुर्सी पर रहेंगे बिहार में शराब पीने वाले या उसके अवैध कारोबार में लगे लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं। धौला सादिया पुल के शुरू होने के बाद भारत के इंजीनियरिंग जीनियस से टेंशन में आया चीन। कहा, विवादित इलाकों का संयुक्त नियंत्रण शांति और बॉर्डर इलाकों में सौहार्द के लिए जरूरी है, दोनों देशों के बीच विवादित मुद्दों को सुलझाया जाए। पशु बिक्री पर बैन को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव सीताराम येचुरी ने एक सुर में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। येचुरी ने इसे हिंदुत्ववादी एजेंडा बताया है, तो ममता ने कहा कि केंद्र का ये फैसला रमजान महीने से पहले ही क्यों। टेरर फंडिंग के मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने कश्मीर के 3 अलगाववादी नेताओं से पूछताछ की। NIA सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक तीनों नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसी के पास पुख्ता सबूत, पूछताछ आगे को भी जारी रहेगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी 31 मई को अयोध्या में विवादित धर्मस्थल पर स्थापित रामलला के दर्शन करेंगे। सूत्रों के अनुसार एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या जा रहे योगी रामलला और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने के साथ ही श्री राम जन्मभूमि न्यासा के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव में शामिल होंगे। मणिपुर की राज्यपाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का चांसलर नियुक्त किया गया। जामिया के चांसलर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल M. जाकी का कार्यकाल इस महीने खत्म हो रहा है। नजमा अब उनकी जगह लेंगी और अगले 5 साल तक इस पद को संभालेंगी। बता दें, नजमा हेपतुल्ला साल 1986 से 2012 के बीच 5 बार राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं। मोदी सरकार के UPA के कार्यकाल के दौरान एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय को लेकर जांच की मंजूरी दे दी है। इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी CBI करेगी। CBI ने इस मामले में FIR दर्ज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के उस आदेश के खिलाफ नोटिस जारी किया है जिसमें जेल केंद्रों के 500 मीटर के भीतर आने वाले मोबाइल टावर को हटाने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। दक्षिण अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज हासिम अमला ने वनडे क्रिकेट में 7,000 रन पूरे कर लिए हैं। अमला ने वनडे में सबसे कम पारियों में 7,000 रन बनाने वाले भारतीय कप्तान विराट कोहली के विश्व रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। उन्होंने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 55 रनों की पारी खेली है। बॉलीवुड अभिनेत्री गीता कपूर को उनके बेटे चंपक गोरेगांव के एक अस्पताल में भर्ती कराकर उन्हें वहां अकेला छोड़कर चले गए। इससे गीता की परेशानी और बढ़ गई है, लेकिन बॉलीवुड उनके साथ है। एक कार्यक्रम के दौरान एक्टर रितेश देशमुख ने हर संभव मदद करने की बात कही। सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म दंगल ने बाहुबली 2 को वर्ल्ड वाइड कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। दंगल वर्ल्ड वाइड 1,665 की धमाकेदार कमाई कर चुकी है।
इस बड़ी कमाई के साथ ही आमिर की ये फिल्म भारतीय सिनेमा में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। वहीं एक महीने पहले रिलीज हुई बाहुबली 2 वर्ल्ड वाइड 1633 करोड़ की शानदार कमाई कर चुकी है। बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए एवन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।